हरियाणा में हुए राजनीतिक बदलाव के बीच बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर हुए इस बड़े घटनाक्रम के बीच मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देते दिखाई पड़े। इसके साथ ही नायब सैनी हरियाणा की जिम्मेदारी संभालेंगे, इसका भी ऐलान हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये टूट क्यों हुई, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन क्यों अलग हुआ, क्या जेजेपी INDIA गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती नजर आएगी, मनोहर के इस्तीफे के पीछे क्या वजह है, और इन सारे सवालों से पहले ये जानिए कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या है। कहा यह गया कि गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा बना। जेजेपी ने हरियाणा की 10 सीटों में से 2 की मांग की थी, लेकिन बीजेपी को यह मंजूर नहीं था। सूत्रों ने कहा कि बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर चुकी है। इसमें हर सीट से 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। पीएम मोदी को टिकटों पर अंतिम मुहर लगानी है। आप ये जान लीजिए कि 240 दिन पहले कैसे बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने का स्क्रीन प्ले पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी थी। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में हरियाणा में मनोहर लाल के एक फैसले ने सभी को चौंका दिया। इस गठबंधन के टूटने से लोकसभा सीटों पर काफी असर पड़ने वाला है। बेशक हरियाणा में मनोहर की जगह बीजेपी की सरकार तो चलती ही रहेगी, भले मुख्यमंत्री अब नायाब होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला अचानक लिया गया या पहले की रणनीति का हिस्सा था। इस पर राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन टूटने की पटकथा 240 दिन पहले यानी जून 2023 में ही लिखी गई थी। उस वक्त इन दोनों दलों के बीच दरार आ गई थी, वो दरार अभी तक भरी नहीं। ये बात अलग है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और दुष्यंत चौटाला की मुलाकात के बाद दोनों दलों में चल रहे गतिरोध के कुछ हद तक दूर होने की बात कही गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में एक बड़ी दरार आ चुकी थी। राजनीतिक संकट को देखते हुए कई निर्दलीय विधायकों को दिल्ली बुलाया गया था। उस वक्त उचाना कलाम से जेजेपी के विधायक और प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वो उचाना कलाम से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चौटाला ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को उचाना कला का अगला विधायक बताया था। चौटाला के बयान पर बिप्लब देव ने भी पलटवार किया था। बिप्लब ने कहा कि अगर जेजेपी ने हमारी सरकार का समर्थन किया है तो कोई एहसान नहीं किया है, इसके बदले उन्हें मंत्री पद दिए गए। बिप्लब देव और दुष्यंत चौटाला के बीच हुई बयानबाजी के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में बड़ी दरार आ सकती है। दोनों दलों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा थी कि बीजेपी ने निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान को दिल्ली बुला लिया था। बीजेपी ने वो प्लान तैयार कर लिया था कि अगर जेजेपी से गठबंधन टूटता है तो उस स्थिति में सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा और निर्दलीय विधायकों को अपने पक्ष में करने की कवायद 240 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। दिल्ली में बिप्लब देव ने निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की थी और जिस तरीके से हरियाणा लोक पार्टी के विधायक गोपाल कांडा पहले से ही बीजेपी के करीब थे, निर्दलीय विधायकों के मदद से मनोहर लाल की सरकार चलती रही थी। हरियाणा की 90 सदस्यीय जो विधानसभा है उसमें बीजेपी के 41 विधायक हैं और कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10 और इनेलो के 1 हैं। इसके साथ ही 7 निर्दलीय विधायक भी हैं। निर्दलीय विधायकों में से 6 विधायक बीजेपी के साथ बताए जा रहे हैं। हालांकि हरियाणा लोक पार्टी प्रमुख गोपाल कांडा का कहना है कि बीजेपी को निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 240 दिन पहले जब थोड़ी सी तकरार दिखाई पड़ रही थी उसी समय बीजेपी ने ऑप्शन तलाश लिया था। उसी समय से बीजेपी काम करना शुरू कर चुकी थी कि अगर जेजेपी ने साथ छोड़ा तो सरकार कैसे बरकरार रह सकती है, और उसका प्लान तभी से तैयार था, उसकी पटकथा तभी से लिखी जा चुकी थी। इसलिए हरियाणा में जेजेपी से समर्थन वापस लेने के बावजूद भी मजबूत स्थिति में बीजेपी दिखाई पड़ती है और अब यहां पर नायाब सैनी हरियाणा की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से संभालते नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।